आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जो चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल से इंडिया के अंदर जो है 30% टैक्स एप्लीकेबल हो चुका है। इसके अलावा जुलाई में जो है 1% TDS भी आपको देना होगा। जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपको 1% TDS आपका कट होता जाएगा वहाँ पे, जितने भी आप ट्रांजैक्शन करते जाओगे। अगर एक ही कॉइन को परचेस करने के लिए आपने 3-4 ट्रांजैक्शन भी कर दिए तो 4% आपका जो है TDS चला जाएगा। वो चीज़ जुलाई से एप्लीकेबल होने वाली है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। और हमने पहले ही दिन बात की थी कि जो ये एप्लीकेबल हुए हैं टैक्स रूल्स, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और पहला जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो इंडियन एक्सचेंजेस का आप देख रहे हो इस टाइम पे। और इंडियन एक्सचेंजेस का हाल ये हो गया है कि इंडियन एक्सचेंजेस पे जो वॉल्यूम है 50-60% तक डाउन चले गया है, मतलब वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, ये कुछ हाल है। और अगर आप एक तरफ देखेंगे क्रिप्टो मार्केट भी डाउन है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस वॉल्यूम डाउन की वजह से पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट डाउन है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जिस तरह से इंडियन एक्सचेंजेस की सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है, अगर आप कॉइन स्विच को देखेंगे, अभी कॉइन स्विच ने सारे ऑप्शन डिसेबल कर दिए हैं, मतलब कोई भी क्रिप्टो आप बाय नहीं कर सकते। और रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कॉइन बेस ने भी डिसेबल कर दिया UPI पेमेंट, मतलब UPI से क्रिप्टो परचेस करने की बातें चल रही थी लेकिन अब नहीं कर सकते, जैसा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी कहा ये चीज़। और इसके अलावा जैसे MobiKwik ने भी अपनी सर्विस विड्रॉ कर ली, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं MobiKwik वॉलेट के जरिए भी आप क्रिप्टो खरीद सकते थे, लेकिन अब MobiKwik ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। और जो इंडियन एक्सचेंजेस का अब यहाँ पे सिचुएशन हो रखी है, Coinbase ने तो पूरा डिसेबल कर दिया है अभी, और ये टेम्परेरी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिसेबल कर दिया, अभी आप कोई क्रिप्टो बाय नहीं कर सकते CoinSwitch कुबेर के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा बाकी एक्सचेंजेस पे अभी चल रहा है, लेकिन सिचुएशन जो वॉल्यूम्स वाली है, अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो इंडियन एक्सचेंजेस का आपको यही हाल देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, ये तो अभी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट निकल के आए हैं, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो साइड इफ़ेक्ट्स और भी निकल के आएंगे। ये जो टैक्स रूल्स एप्लीकेबल हुए हैं, ये जो एक हाई टैक्स क्रिप्टो के ऊपर लगाया गया है, ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट डाउन में है, और 6-4 महीने से अगर आप देख रहे हैं क्रिप्टो मार्केट को, तो क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन डाउन के अंदर है, प्रॉफिट तो दूर की बात है। लेकिन अगर आप देखें, अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको नज़र आता है, अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही कह दिया कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेड ले भी रहे हो, आप 100 रुपये का भी प्रॉफिट बना रहे हो उसके अंदर, तो 30 रुपीज़ का आपको टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट टैक्स लगेगा आप जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। अगर आप 1000 का भी प्रॉफिट बना रहे हो तो यहाँ पे ट्रेड करना इतना ईजी और इतना अब वो पॉसिबल नहीं रही है चीज़। आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जिस तरह से मार्केट की सिनेरियो इस टाइम पे चल रहे हैं, मार्केट के सेंटीमेंट्स इस टाइम पे चल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करना ही बनता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और जिस तरह से मार्केट की सिचुएशन है आने वाले टाइम में, थोड़ी चीज़ें और हैं जो इम्पैक्ट डाल सकती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, इंडियन एक्सचेंजेस की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन एक बड़ी सिचुएशन भी बन सकती है फ्यूचर में। और हो सकता है कुछ इंडियन एक्सचेंजेस यहाँ पे शट डाउन भी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं, वॉल्यूम्स अगर आएंगे ही नहीं इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर, तो सिचुएशन कहीं ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। भले ही लोगों ने शिफ्ट कर लिया अपना इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस पे भी कहीं ना कहीं वॉल्यूम आना चाहिए। और बहुत सारे लोग इंडियन एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, उनको इंटरनेशनल का कुछ पता नहीं है, यूज़ करना नहीं आता उनको, उनको सिर्फ इंडियन एक्सचेंज यूज़ करना आता है। तो देखते हैं आप आगे क्या कुछ रहता है। ये कुछ सिचुएशन इंडिया के अंदर जो 30% टैक्स एप्लीकेबल हुआ है रूल्स, उसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे जो अपडेट रहेगी टैक्स रूल्स को लेके, क्रिप्टो बिल को लेके, इंडिया में जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी अब यही सबसे बड़ा अपडेट था कि कॉइन स्विच ने भी डिसेबल कर दिए हैं सारे क्रिप्टो। अगर आप कोई भी क्रिप्टो खरीदना चाहते हो कॉइन स्विच से, तो वो आप नहीं खरीद सकते, कोई भी पेमेंट मेथड हो नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ी अपडेट थी। आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आगे जो अपडेट रहेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।